आज बनाते हैं मटन। ब्लेंडर में हम 12-15 सूखी मिर्च डालते हैं, 15-18 लहसुन, 2-4 टुकड़ा अदरक, 3-4 लौंग, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 3-4 छोटे इलायची, 6-7 काली मिर्च, 1 टुकड़ा बड़ी इलायची। चलिए अब इन सब को ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमने ग्राइंड कर लिया है और ये हमारे पास 300 ग्राम के आसपास प्याज है। तेल डालते हैं। जीरा डालते हैं। प्याज डालते हैं। प्याज को हम भूनते हैं अच्छी तरह। प्याज हल्का फ्राई हो चुका है, इसमें मटन डालते हैं। एक चम्मच नमक डालते हैं। इसे ढककर पकाते हैं। इसमें अब ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करते हैं। इसे ढककर पकाते हैं। चार हरी मिर्च डालते हैं। आधा चम्मच के लगभग हल्दी छिड़क देते हैं। चम्मच धनिया पाउडर। एक चम्मच जीरा पाउडर। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे ढककर धीमी आंच पे पकाते हैं।
चम्मच मटन मसाला ऐड करते हैं। थोड़ा पानी ऐड करते हैं। इसे तेज आंच पे ढककर पकाते हैं। गरम मसाला छिड़क देते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता छिड़क देते हैं। ये हो चुका है, इसे ढककर उतार लेते हैं।